कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। बिना रिवाज शब शहादत है ना, इमाम कितने मजलूम हैं। मैं एक दरख्वास्त करूंगा, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। अभी ताबूत ना लेके आइएगा, मैं कम अज कम भी 5-10 मिनट से ज्यादा मसाए पढ़ूंगा। मेरे दरख्वास्त है, जरा एक मरतबा तसव्वुर की जगह जुमले पे कहा, देखो वास्ता क्या दिया था परवरदिगारा, मेरी मजलूमियत का वास्ता। आपने कभी इमाम के लकब पे गौर किया, इमाम का लकब क्या है? इमाम का लकब है गरीबुल गुरबा। अब वो खुद बता रहे हैं, देखो मैं कितना मजलूम हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीबुल गुरबा। जो वतन से दूर होता ना उसे गरीब कहते हैं। मदीने से सबसे ज्यादा दूर इमाम रजा है। अमीरुल मोमिनीन के पास भी हजरत आदम है, हजरत नूह है, अंबिया दफन है ना मौला की बारगाह में। इमाम हुसैन के पास भी हजरत अली अकबर हैं, हजरत अली असगर जनाब कासिम, इमाम मूसा काजिम के पास इमाम मोहम्मद तकी हैं, इमाम अली नकी के पास इमाम हसन अस्करी। हर इमाम के पास कोई है। जन्नतुल बकी में 4 इमाम इकट्ठे हैं, लेकिन एक इमाम है जो दूर भी हैं और तन्हा भी हैं, अकेले भी हैं। जब एक मर्तबा एक शायर लिख रहा था ना, मरसिया लिख रहा था, उसने लिखा कि एक नजफ अशरफ में इमाम है, एक करबला में है, 4 मदीने में, जन्नतुल बकी में, 1 आसमैन में। इमाम ने कहा मैं तेरे शेर में इजाफा कर दूं मरसिए में। इमाम ने कहा, उसने फौरन कहा हाँ मौला फरमाइए। इमाम ने कहा वक़ब्रुम बतूसिन या लहा में मुसीबा, का एक कब्र तूस में है जो बड़े मसायब के साथ है, वो तब तक तन्हा रहेगा जब तक मेहदी का जहूर नहीं हो जाता। कम मौला ये मैं तूस की कौन सी कब्र है मैं जानता नहीं हूँ। इमाम ने कहा ये भी बनी नहीं है, वहां मेरा रोजा होगा, वहां मेरा रोजा होगा। मैं आपसे रोक के दरखास्त करूंगा अगर सब मुझे देख सकें। मैं एक जुमले को पेश करना चाहता हूँ। तकरीबन 20 बरस पहले मैं इमाम की शहादत पे उनके रोज़े में गया ज़ियारत के लिए। जब मैं कुम्बे मुकद्दस में पढ़ता था तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुख्तलिफ़ ताबूत लाए जा रहे थे इमाम के हरम में। एक ऐसा ताबूत लाया गया जिस पे अंगूर थे और ख़वातीन ने बुरकों में ताबूत को पकड़ रखा था। कुछ मर्द हिफाजत के लिए थे, उस पर इतनी रिक्कत थी कि मेरी कैफियत बदल गई, मैं मुनकलिब सा हो गया। मैं आगे बढ़ के मर्दों से पूछने लगा ये खवातीन ताबूत क्यों लाई हैं। कहा आप सैयद हैं, आपने ये रिवायत नहीं देखी? एक ऐसी रिवायत है ना, इमाम का ताबूत खवातीन ने उठाया था। भाई इमाम के सारे भाई मदीने में, एक बेटा मदीने में, का इमाम से ज्यादा मजलूमियत किसी की नहीं। जो शिया खवातीन थी वो एक मरतबा ताबूत लेके चली। मैं आज पेश करूंगा, आज पेश करूंगा, सुनेंगे अब अगर अल्फाज को सुने। मामून ने एक मरतबा इमाम को दावत दी अपने महल में। जब इमाम जाने लगे थे ना तो ख्वाजा अबा सलते हिरवी बैठे थे करीब में। ख्वाजा ने पूछा मौला क्या बात है, आप इस शराब में हैं? कहा ख्वाजा अब अगर मैं आऊँ ना और मेरे चेहरे पर रुमाल हो तो समझ लेना मुझे जहर दे दिया गया है। मैं अगर खून की तय कर रहूँगा तो रुमाल रख के आऊँगा, मुझसे कलाम ना करना, उस वक्त मेरे सीने में बहुत तकलीफ होगी, मेरा कलेजा कट रहा होगा। कहा मौला आपकी क्या कैफियत होगी कभी मुझे जहर देने वाला है? का मौला आपकी वसीयत क्या है, गुस्लो कफन कौन करे? का मासूम का गुस्लो कफन सिर्फ मासूम कर सकता है। का मौला लेकिन आपका बेटा तो मोहम्मद तकी अलैहि सलाम मदीने में है। इमाम ने कहा कि नहीं, वो हुज्जत खुदा है, यहां पे मेरी शहादत होगी वहां मेरा बेटा आ जाएगा। जब मेरा बेटा आए ना तो कहना बाप ने बहुत याद किया था। ख्वाजा बसलते हिरवी रोने लगे, आंखों में आंसू आए। कहा मौला आपके साहबजादे आएंगे? कहा मेरा बेटा आएगा, उसे मेरा सलाम कह देना, कहना बाप ने बहुत याद किया। मैं एक रोक के आपको बात कहूँ, एक रोक के जुमला कहूँगा। हर बाप को हसरत होती है जब मेरा आखिरी वक्त हो ना, मेरा सर मेरे बेटे के जानों पर हो, मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा हो, मैं दुनिया से जाऊँ। अब मैं 2 इमामों की कैफियत पेश करूँ, एक इमाम हुसैन इब्ने अली है, जनाबे सैयदा का बुरका है, हुसैन इब्ने अली का सर है, शिमर का खंजर है, बीबी के दोनों हाथ गर्दन पे। और जब सारे अंबिया कह रहे थे ना या रसूल खुदा अब हम नहीं देख सकते, अब मैं नहीं देख सकता, तो एक मरतबा खुद रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और हुसैन जाने। एक रिवायत में है कि खुद अली मुर्तजा ने कहा सहरा अब आप जाने और हुसैन जाने। जनाब सैयदा ने कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, अंबिया ने रुख मोड़ लिया लेकिन मैं देख रही थी जब मेरे बेटे पे खंजर चला।
अजरकुम अल्लाह। बस भाई दो इमाम ऐसे हैं जिनकी कैफियत बड़ी अजीब और गरीब है। बस भाई इमाम गए, मामून ने इमाम को जहर दिया, इमाम ने कहा कि बास आ जा, अपने लिए जहन्नम ना खरीद, मैं हुज्जत वक्त हूँ। इसने मुख्तलिफ अंदाज से इमाम को अजियत दी, कहा कि नहीं आपको ये इस्तेमाल करना होगा। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, इमाम को जहर दिया गया। भाई अजीब गरीब आज कैफियत है, मशहद मुकद्दस में दिल तड़प रहे होंगे, आज इमाम ज़माना मशहद में इस्तकबाल कर रहे होंगे ना, आज सारे इमाम जा रहे होंगे इमाम रज़ा का पुरसा देने इमाम ज़माना को, आज जनाबे सैयदा मशहद में खड़ी है। आबाद किस तरह ये चमन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। बस एक मर्तबा इमाम रजा को जहर दे दिया, इमाम ने चेहरे पे रुमाल रखा, कलेजा कटने लगा। इमाम उठे, घर तशरीफ ले आए, जैसे घर पहुंचे देखा ख्वाजा अब्बास अल-तहरवी खड़े हैं। वो रोने लगे, का मौला क्या कैफियत है। इमाम ने उंगली से इशारा किया, खामोश रहो, मेरा पूरा कलेजा कट रहा है। इमाम अपने हुजरे में चले गए, इबादत करने लगे। ख्वाजा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, इतने में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत हस्ती है जो तशरीफ लाए। कहा आप कौन है, कहाँ से आए हैं। कहा मेरे बाबा ने बताया नहीं था, मैं मोहम्मद तकी हूं, मैं मदीने से आया हूं अपने बाबा को आखिरी लहजे में। एक मरतबा इमाम मोहम्मद तकी सलाम आया, का ख्वाजा हट जाना, कभी जहमत का सबब ना बनना, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकता है। का एक मरतबा मैंने देखा हौज़े कौसर से पानी नाजिल हुआ, हुनूद का काफूर नाजिल हुआ। का हट जाओ, इमाम ने बड़ी ताजीम से गुस्ल कफन दिया, लेकिन मैं जोड़ के हाथ आपके सामने एक जुमला कहूंगा। इमाम में रजा तड़प के कह रहे होंगे, मेरे बेटे मेरे जनाजे को कांधा ना देना, मुझे मेरे जद हुसैन याद आ रहे हैं, उनका लाशा घोड़ों की टापों में था। अजरक कमर अल्लाह, मैंने तमाम कर दिया। बस भाई दो मिनट की जहमत दूंगा आपको, ताबूत बरामद होने वाला है, ताबूत आने वाला है। आप जब सब आज पुरसा दीजिएगा ना, तो आज दो हस्तियों को पुरसा देना है ना आपने, जनाब सैयदा को और इमाम ज़माना को। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, आज एक और बीबी को पुरसा दीजिएगा। उस बीबी का नाम है मासूमा कौम। वो बीबी मदीने से चली पड़ी हसरतें लेके, मुझे भाई से मिलना है। बीबी आप भी जनाब ज़ैनब की तरह भाई की मोहब्बत में सफर कर रही है, लेकिन जब बीबी कुम पहुंची तो भाई की ज़ियारत ना कर सकी, इमाम की शहादत हो चुकी थी। आखिरी जुमला सुन लीजिए बड़ी तासीम से। एक मर्तबा ताबूत चला इमाम रज़ा अलैहि सलाम का, वहां मशहद में मामून पहले पहुंच गया, कहा कि मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। ख्वाजा ने कहा खबरदार आगे ना बढ़ना, मोहम्मद तकी जनाजा पढ़ा चुके। कहा वो कैसे आ गए थे। कहा तेरा मतलब नहीं है। कहा खबरदार पीछे हट जा। जब कब्र को तैयार किया तो एक मर्तबा फावड़ा जमीन पे मारा, कब्र पहले से तैयार थी जहां पे आज रोजा है। कहा इमाम रजा अपनी शहादत के बाद भी मौजज़ात दिखा रहे हैं। कहा पूरी कब्र तैयार थी जैसे मुसहबात हैं। कहा यहां पे किस तरह से इतना अहतमाम किया गया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम ने दोबारा कहा ख्वाजा मेरे बाबा का लाशा दे दो। एक मर्तबा लाशा हाथों पे रखा इमाम रजा का बड़ी तासीम से। इमाम मोहम्मद तकी ने कब्र मुतहर में रखा, लेकिन मैं कहूंगा मौला है इमाम मोहम्मद तकी, जरा करबला में आके देखे, इमाम सज्जाद अपने बाबा के आजा को जमा कर रहे हैं। जब बनी असद ने पूछा क्या कर रहे हैं, कहा जब घोड़े दौड़ाए गए मेरे बाबा की आजा फैल गए।